नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। एक कहावत सुना होगा आपने, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। हमारे साथ एक युवक है, एक शख्स बैठे हुए हैं, यही घटना उनके साथ घटी है कि इनकी सावधानी घटी और इनके साथ दुर्घटना घटी। क्या मामला है, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं रोशन? क्या घटना हुई? घटना हुई कि हम जो है बजाज सर्विस सेंटर पे कॉल लगाए, कस्टमर केयर पे। तो कॉल लगाए उसका कस्टमर केयर नंबर पे, तो दो तीन बार फोन लगाया तो उनका नंबर इंगेज आ रहा था, तो हम फोन काट दिए। कहाँ पर लगाए थे फोन? बजाज कस्टमर केयर। कस्टमर केयर? हाँ, बजाज कस्टमर केयर के नंबर पर। तो फोन लगाए, दो तीन बार बिजी चल रहा था तो फोन काट दिए। उसके बाद हम कुछ तैयारी करने लगे मार्केट दुकान तरफ आने का। किसी का दुकान है आपका? हमारा लोहे का दुकान है। सिंहेश्वर? हाँ। फिर क्या हुआ? तो हम दुकान पे आने का तैयारी करने लगे, तो उसी टाइम 5 मिनट के अंतराल में एक दूसरे नंबर से कॉल आता है। कॉल आया और वो बोला हमको कि आप बजाज सर्विस सेंटर में फ़ोन कर रहे थे? हाँ, फ़ोन कर रहे थे। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम है, हम एक मशीन लिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपसे को रिपेयर करवाना। बोला ठीक है, वो रिपेयर हो जाएगा, आपको इसके लिए 10 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना। ठीक है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे 10 रुपया। तो बताया कि 10 रुपया ऑनलाइन पेमेंट आप कीजिएगा, उसके बाद एक लड़का का नंबर देंगे, उस नंबर पे बात कीजिएगा तो वो जाके सर्विस दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो बोला ठीक है, तो 10 रुपया डालने का प्रोसेस बताते हैं, आप कीजिए। तो हम उसके बातों में आ गए, हम बोले ठीक है, हम कर रहे हैं। तो वो हमको वो बोला प्ले स्टोर ओपन करके एक एनी डेस्क ऐप को डाउनलोड करें। तो वो एनी डेस्क ऐप को डाउनलोड जब किए हैं तो डाउनलोड करके उसके बाद वो हमसे बात में लगा रहा और एनी डेस्क को ओपन कर रहा है। ओपन जब किए हैं तो ओपन करने के बाद उससे हमसे कुछ ऐसे काम संबंध में ही बातचीत हो ही रहा है, तब तक मेरे मोबाइल में OTP गिर रहा। मेरे मोबाइल में जब OTP गिरने लगा तो हम सतर्क हो गए कि मेरे मोबाइल में OTP क्यों गिर रहा बैंकिंग का। तो हम उसका फोन काट दिए, तब तक मैं 2 बार मेरे बैंक अकाउंट से बैलेंस कट चुका। कितना कितना अकाउंट? 13,659, 13,659 का 2 बार OTP गिरा। उसके बाद हम फोन सब काट दिए, काट दिए। उसके बाद चेक करते हैं 13,659 करके 2 बार कट गया मेरे अकाउंट से। उसके बाद फिर उसका फ़ोन आने लगा। फिर जो उसका फ़ोन रिसीव किए तो बोलता है रोशन जी आप काहे फ़ोन काट दिए? सर आप फ़ोन काहे काट दिए, क्या हुआ? तो हम बोले अरे यार मेरे अकाउंट से बैलेंस कट रहा है। तुम बोलता है फ़ोन कट दिया, आप तुम काहे बैलेंस काटा मेरा? तो बोला नहीं सर, वो मिससे कट गया, वो आपका बैलेंस हम रिटर्न कर रहे हैं, आप फिर से खोलिए, फिर से खोलिए। मतलब इतना प्रेशर बनाने लगा कि हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हम फिर से एक बार खोल दिए। हाँ, हम एक बार फिर से जो खोले तो फिर OTP गिरा। OTP जो गिरा तो फिर हम तुरंत सबको डिस्कनेक्ट कर दिए। तो फिर 13,659 का बैलेंस कट गया। यानी तीन बार, तीन ट्रांजेक्शन, 13,659 करके तीन ट्रांजेक्शन में 39,977 रुपया का सीनियर अधिकारी बता रहे हैं वो मेरा जूनियर का कुछ मिस्टेक से ऐसा हो गया है, आपका अकाउंट रिफंड हो जाएगा, आप फिर से खोलिए। हम तो क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे पूरा कि भाई 2 बार 3 बार बैलेंस कट चुका है, आप फिर खोलें, फिर कहीं कट जाए कौन से बैलेंस, तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम उसको बोले कि अगर आपको पेमेंट रिटर्न करना है तो पेमेंट रिटर्न कीजिए, हम ऐप को क्यों खोलेंगे, हम ऐप खोलने वाले नहीं हैं। तो बस इसी तरह बातचीत होते रहा। उसके बाद हम उसका फोन काट। कितनी पहले घटना? ये कल की घटना। कल की घटना 7 नवम्बर की घटना। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम सिंहेश्वर थाना पे गए। सिंहेश्वर थाना पे गए तो बड़ा से मिले तो बड़ा वो बोले कि आप इस संबंध में जो है एक बार ब्रांच मैनेजर अगर आपके अच्छा है तो जाकर के एक बार मिलिए ब्रांच मैनेजर से, अगर कुछ हो जाए तो कर सकते हैं। बैंक गए? हाँ, तो फिर हम बैंक गए। अपना मधेपुरा पोस्ट ऑफिस का हेड ब्रांच IPP बैंक का गए, वहाँ मैनेजर साहब से मिले। तो बोले कि ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो फ्रॉड हो गया है, इसमें तो रिटर्न का कोई 1% भी नहीं है, तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो तीन फॉर्म निकाल के दिए मैनेजर साहब, हम फॉर्म फिलअप करके उनको दे दिए। उनको देने के बाद रात में वो साइबर सेल वाले के ऑनलाइन नंबर पे भी कॉल किए, तो उनको भी सूचना दिए। तो वो बोले सुबह में कि जाकर के गोपनीय शाखा में है मधेपुरा में, वहाँ पर आपकी फिनिशिंग करवा दी। और उसके बाद अभी जो हम आ रहे हैं उसके पहले हम सुबह में ऑनलाइन साइबर सेल वाले को दिए। तो ये कहानी इनके साथ घटी है, घटना घटी है। एक फर्जी कॉल आता है और कहा जाता है कि आप
अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से जो है सो एनीडेस्क ऐप इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल जैसे ही ये करते हैं इनके मोबाइल इनके अकाउंट से 13,000 समथिंग, फिर 13,000 समथिंग, और फिर 13,000, तो मिला जुला के अगर कहें तो 40,000 रुपये लगभग कट जाता है। कंप्लेन उन्होंने किया है, लेकिन बिहार में वर्तमान में इतना डेवलप नहीं हुआ है, साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट हैं इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि इन जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको पकड़ सके। तो ऐसे में जरूरत है आपको सावधान रहने की, कहीं अगले इस जो ये जो हीरो चला रहे हैं साइबर क्राइम का, अगले उनके शिकार कहीं आप ना हो जाए। तो आपको भी जरूरत है कि इस तरह का कॉल कोई आता है या कोई ओटीपी मांगा जाता है या इस तरह के कोई ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, तो कृपया न करें और सावधानी बरतें, हर समय सतर्क रहें, तो आप इस तरह के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे बच सकते हैं। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।